महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हेबे देवेंद्र फडणवीस। सस्पेंस उपरू पर्दा हटाइले निजे एकनाथ सिंधे। महायुति मेंट जहां निष्पत्ति नेब शिवसेना करिबो समर्थन। मुख्यमंत्री चयन नहीं बीजेपी निष्पत्ति को जणाइबो सम्मान। चूड़ांत निष्पत्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेबे। राज्य विकास पर लोड़िले केन्द्र सरकार को सहयोग। बालासाहेब ठाकरे स्वप्न को पूरण करिसंती नरेन्द्र मोदी अमित शाह। केवल औपचारिक घोषणा को अपेक्षा महाराष्ट्र सीएम सस्पेंस उपरू हटिछि परदा। निर्वाचन फल घोषणा परठारु महाराष्ट्र परवर्ती मुख्यमंत्री को नहीं जारी रही चर्चा पड़ी पूर्णच्छेद। प्रेसमिट में बीजेपी निष्पत्ति उपरे सहमति जणाइबा सह निजे मुख्यमंत्री पद पर लालायित नथिबा कहिसंती एकनाथ। परोक्षरे देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र परवर्ती मुख्यमंत्री हेबा नै देइछंती स्पष्ट संकेत। राज्य विकास रे बीजेपी रो योगदान को स्वीकार करिबा सह केन्द्र सरकार को सहयोग लोड़िछंती एकनाथ। बीजेपी निष्पत्ति को नहीं से असंतुष्ट नुहंती, बरम प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह निष्पत्ति को से सादर ग्रहण करेंगे बोली कहिछंती। गुरुवार देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एकनाथ सिंधे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेटी आलोचना करने को कल कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए, एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। एबे केवल औपचारिक घोषणा को अपेक्षा। निर्वाचन में महायुति महाविजय पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को नहीं आरंभ होता हलचल। पुणी सिंधे रिपीट हेबे ना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंडे हाथी ढाब सुना कलश, एने लगि रही कल्पना जल्पना। मुख्यमंत्री पद को नहीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार बयान को नहीं जोर धरीला चर्चा। मुख्यमंत्री भावे से देवेंद्र फडणवीस को देखा चाहती बोली प्रतिक्रिया रखी पवार। सीएम रेस सबुठ आगे पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देखो जो सीएम बनेगा उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल वो भामरागढ़ से रायगढ़ तक, गढ़चिरौली से गंडिंगरस तक, चांदा से बांदा तक, जो हमारे लिए सीएम है कॉमन मैन, उसकी सेवा करने का हमारा संकल्प है, वचनबद्ध है, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम जी जान से काम करेंगे। एकनाथ शिंदे जी 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके, अब वो चुनाव जीत कर आए, उनको भी आज सत्ते में रहना है। तो सत्ते में रहना है तो कहीं ना कहीं जिसकी ज़्यादा सीटें आई केंद्र में, जिसकी सरकार है, तो उनको मतलब स्वाभाविक है कि भाई वो सुनना पड़ेगा। अगर ना बोलेंगे तो सत्ता चले जाएंगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो बेचारे अभी जो है मान रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी, शिवसेना एवं एनसीपी रो सहयोगी महायुति को मिली बृहत विजय। 288 विधानसभा आसन विशिष्ट महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्वाधीन महायुति को मिली रेकर्ड संख्यक 233 आसन। पूर्ण बहुमत पर सरकार गढ़ा राज्यपाल निकट में दावी जनता मिलित मंच। मंगलवार महाराष्ट्र विधानसभा कार्यकाल शेष दिन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भेटी इस्तफा पत्र देते मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।